अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप कैसे जीतेगी, ये हमारे कप्तान बाबर आजम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बता दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, हसन अली किस तरह सिलेक्ट हुए, किस तरह उनका दिफा किया, क्या वो टीम के लिए कारगर साबित होंगे। बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी बताया शाहिनशाह अफरीदी से क्या फड्डा हुआ था। बाबर आजम ने उस फड्डे के ऊपर भी रोशनी डाली है, बहुत अहम इंटरव्यू है। और बाबर आजम ने ये दावा किया है कि हम सुपर फोर यानी कि सेमीफाइनल नहीं, हम वर्ल्ड कप जीत कर आएंगे। क्यों कही उन्होंने ये वाली बात, कैसे पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा, ये पूरी चीज़ जो है बाबर आजम ने जो कही है आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। बाबर आजम ने इंतहाई अहम बातें की हैं और क्या बातें उन्होंने पीछे से की हैं, क्या ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, और क्या कुछ ऐसा है जो बाबर आजम ने झूठ कहा है, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। वर्ल्ड कप के लिए भारत रवानगी से कबल मंगल यानी कि आज के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाबर आजम ने और कहा कि इन्हीं खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को नंबर वन बनाया, मुझे पता है कि कौन मेरे लिए और टीम के लिए फाइट करता है। वर्ल्ड कप से मुतालिक बाबर आजम ने कहा भारत में पहली मर्तबा खेलने का दबाव नहीं है, कंडीशंस के बारे में इल्म है, साबिक खिलाड़ियों से मालूमात लेने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि साबिक एक्स क्रिकेटर जो है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम के अंदर कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसने वर्ल्ड कप के लिए या फिर किसी भी मैच के लिए इंडिया का दौरा किया हो, उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे हम बतौर टीम अच्छा खेल का मुजाहरा करें। उन्होंने कहा मेरे लिए एजाज़ की बात है कि वर्ल्ड कप में कप्तान की हैसियत से खेल रहा हूँ, कोशिश है हम जीत कर आएँ, इन्हीं लड़कों की वजह से हम नंबर वन बने हैं, मैं टीम में ज़्यादा तब्दीलियों का कायल नहीं हूँ। एशिया कप के दो मैचेस में हम अच्छा नहीं खेले और गलती को कवर करते हैं तो दूसरी गलती सामने आ जाती है। बाबर आजम ने नसीम शाह की इंजरी से मुतल्लिक कहा कि वर्ल्ड कप में इसकी कमी महसूस होगी, इसे हम काफ़ी याद करेंगे। शाहीन के साथ जैसी बॉलिंग करता था वो नसीम शाह, वो हमें मुख्तलिफ वाइब्स देता था। नसीम के बाद जो बेहतरीन चॉइस थी उसको हम टीम के अंदर लाए हैं, यानी कि हसन अली का उन्होंने दिफा किया है। कप्तान ने कहा कि चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक कोच मिकी आर्थर की मुशावरत से हसन अली को मुंतखब किया क्योंकि उसके पास तजर्बा है, अभी नहीं बता सकता कि शाहीन के साथ कौन नया गेन करेगा। कौमी टीम को यही पैगाम दिया है कि पहले भी करते आए हैं, अब भी करना है, हमारा एक मैच पर फोकस नहीं है, सब पर है। 2019 में आम खिलाड़ी से 8 से 9 खिलाड़ी जो हैं वो एक साथ खेल रहे हैं 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से। उन्होंने कहा कि स्पिनर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, मानता हूँ परफॉर्म नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान टीम में खेलना आसान नहीं है, वो अच्छे खिलाड़ी हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक बाबर आजम ने कहा वीज़े आ चुके हैं, और इसके साथ साथ बाबर आजम ने जो ड्रेसिंग रूम के अंदर शाहिनशाह आफरीदी के साथ जो लफ्जी तकरार हुई थी उस हवाले से भी बाबर आजम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, गुज़िश्ता दोनों अपने और फास्ट बॉलर शाहिनशाह आफरीदी से मुतल्लिक ड्रेसिंग रूम के खबरों की उन्होंने तर्दीद की है, हालांकि ये सच्चा वाकया है। इसको लोग जो हैं वो मुख्तलिफ लोग जो हैं और इंडियंस जो हैं ख़ास तौर पर बाबर आजम का इंटरव्यू जो है उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है और बिला वजह लंबी लंबी बातें कर रहा है, लंबी लंबी फेंक रहा है। बाबर आजम ने साफ़ी के सवाल पर कहा कि इफ्तिखार अहमद हमारा बड़ा भाई है, उसको हम बड़ा भाई कहते हैं। गुज़िश्ता दिनों खबरें थी कि मेरे और शाहिनशाह आफरीदी के दरमियान ड्रेसिंग रूम के अंदर कोई बात हुई तो आप शाहिनशाह आफरीदी की कितनी इज्जत करते हैं, ये सवाल हुआ। जवाब में कप्तान ने कहा इज्जत तो सभी करते हैं, जब कोई मैच करीब जाकर हारे तो थोड़ी बहुत मीटिंग में चीज़ें चलती हैं, इसे ये पहलू देना कि लड़ाई हो गई है ये गलत है। अच्छा, उन्होंने बिल्कुल कहा कि लड़ाई वड़ाई नहीं हुई थी और ये वाली बात भी उन्होंने बस क्या करें। बाबर आजम ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ड्रेसिंग रूम की बातों को लड़ाई बना दिया गया है। कौमी टीम ने कहा हम एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं जितना फैमिली से करते हैं। वादे रहे कि एशिया कप में भारत और श्रीलंका से शिकस्त के बाद फास्ट बॉलर शाहिनशाह आफरीदी और बाबर आजम से मुतल्लिक लड़ाई की खबरें आई थी, और इंडिया के अंदर अब क्या हो रहा है, बाबर आजम ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले तो ये सुन लिए और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इंडिया के अंदर बाबर आजम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर क्या कुछ वबाल मचा हुआ है। बहुत से लोग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें लेकर चल रहे हैं। बाबर आजम ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 5वीं दफ़ा ऑन द रिकॉर्ड एक बड़े इवेंट के लिए जाते हुए बाबर आजम ने सेम वही बातें की हैं जो वो करते हुए आए हैं। पिछली चार दफ़ा उन्होंने इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अब वो 5वीं दफ़ा यही बात करते हुए आ रहे हैं कि हम जीत कर आएंगे। जब आप पिछली 4 दफ़ा जीत कर नहीं आए तो कौन आपकी इस बात के ऊपर यकीन करेगा कि आप 5वीं बार भी जीत कर आएंगे। उस वक्त जिस वक्त आप की टीम का मोराल जो है वो श्रीलंका से हारने के बाद डाउन है, इंडिया ने आपको आउट क्लास कर दिया है। आप 2021 की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड कप T20 वाला, उसके बाद एशिया कप, उसके बाद वर्ल्ड कप, उसके बाद एशिया कप,
इन तमाम चारों इवेंट से पहले बाबर आजम ने इसी तरह बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यही वाले जुमले कहे थे कि इस बार भी हम जीत कर वापस आएंगे, हमारी कोशिश है कि हम कौम को मायूस ना करें। यही वाली बातें, सेम यही अल्फाज थे, यही बंदा था, यही खिलाड़ी जो प्रेस के ऊपर बैठे हुए थे, सहाफ़ी यही थे। और इन जाहिलों से ये सवाल नहीं हुआ कि पिछली चार बातें आपकी कौन सी सच्ची साबित हो गई जो इस बार आप, किसी के मुंह में इतनी हिम्मत नहीं थी, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये जाकर बकवास करे, ये बताए कि भाई तू पिछली चार दफ़ा जो है वो यही बातें कर चुका है, तेरी पाँचवीं बार इस बात के ऊपर क्यों यकीन किया जाए। किसी सहाफ़ी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, मुँह में दही जमा के बैठे हुए थे। बाबर आजम की तरफ से क्या उनको पैसे मिलते हैं? ये वाली खबरें भी हैं कि सहाफ़ियों को सवाल नहीं करें, वीडियोस अच्छी अच्छी बनाएं, बाबर आजम की ज़रा सी पीआर ऊपर करें तो उनको जो है वो पैसे भी मिलते हैं। ऐसी खबरें हैं मार्केट के अंदर, मुझे तस्दीक नहीं है इस बात की, लेकिन मैंने सुना है बहुत से लोग इस बारे में बात करते हैं कि पैसे भी दिए जाते हैं सहाफ़ियों को, जो सहाफ़ी ज़्यादा मुश्किल सवाल करते हैं उनको खामोश करवाने के लिए और आसान सवाल के लिए। इस तरह की टैक्टिक्स जो हैं वो सियासत में भी यूज़ होती हैं पाकिस्तान के अंदर, अब क्रिकेट के अंदर भी यूज़ हो रही हैं। और बाबर आजम से कोई उल्टा सीधा सवाल कोई ना करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी हंसते खेलते, शुएब जट वहाँ पर नहीं था, इसलिए अगर कराची के अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो शायद उनका जवाब जो है वो इतनी ठंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती जितनी हुई थी। सहाफ़ी कुछ सवाल नहीं करते कि पिछले चार दफ़ा आपने क्या ऐसा गोड़ कर आए टीम के साथ जो इस बार आपकी इस बात के ऊपर यकीन कर लिया जाए। इंडिया के अंदर अब क्या हो रहा है, बाबर आजम ने जो कहा कोई नई बात नहीं थी इसके अंदर, मैं कुछ बताने के लिए आपको कोई नहीं बैठा कि इसने ऐसी कोई बात कर दी, वही घिसे पिटे बयान जो हैं वो सारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कस हुए हैं। अब सुने ज़रा इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। इंडिया के अंदर कहा जा रहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अंगूर खट्टे हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं, ये वाले टॉन्ट किए जा रहे हैं आपको। क्यों? क्योंकि जब आप श्रीलंका जैसी टीम के साथ हार जाएं, ऐसी गंदी हार कि आप उसको डिफेंड ना कर पाएं अपने टोटल को, और उसके बाद श्रीलंका इंडिया के साथ 50 रन के ऊपर पूरी टीम आउट हो जाए और आपको उस बात का ताना दिया जाए कि ये वही टीम है जिसको हमने इबरत का निशाना बनाया है, इबरत का निशान बना के रख दिया है, और इस टीम से आपकी टीम जो है वो बकरियों की तरह हार गई। आपने हक दिया उस टीम के सामने जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो एशिया कप जीतेगी और उसको इंडिया ने चारों खाने चित कर दिया, इसलिए बाबर आजम का रिकॉर्ड इंडिया के अंदर ज़्यादा लगाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर तो लोग क्या कुछ नहीं कह रहे, मैंने बहुत कम बातें की हैं, लोग इससे कहीं ज़्यादा आगे बातें कर रहे हैं और बाबर आजम की किरदार कुशी भी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं, मेरी ऐसी सोच नहीं होती और ना ही मैं किसी की किरदार कुशी करना चाहता हूँ। बाबर आजम की कप्तानी से मुझे लाख एतराज़ है, लेकिन मुझे उसकी बैटिंग के अंदर किसी किस्म का कोई दो राय नहीं है। वो नंबर वन खिलाड़ी है इस वक्त पाकिस्तान का, पाकिस्तान की जितनी भी 20 साल 25 साल की तारीख है, बेहतरीन बल्लेबाज पाकिस्तान के हिस्से में आए, लेकिन एज अ कप्तान बाबर आजम, मैं समझता हूँ, ये मेरी अपनी ज़ाती सोच है, बाबर आजम एज अ कप्तान बेहतरीन खिलाड़ी नहीं है। उसको कप्तानी छोड़कर अगर वो आम खिलाड़ी की हैसियत से टीम के अंदर हो तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर सकता है। इंडिया के अंदर ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस नहीं की जा सकती, लेकिन इंडिया के अंदर बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजाक उड़ाया जा रहा है। इंडियन मीडिया जो है वो बाबर आजम को बहुत ज़्यादा जो है वो लाइट ले रहा है और उनकी बातों को जो है वो यही वाली बातें की जा रही हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अंगूर खट्टे हैं और बिल्ली को ख्वाब में छींछड़े, इस तरह की बातें जो हैं टॉन्ट किया जा रहा है बाबर आजम को। हमारा कप्तान है और उसको इस तरह टैकल किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? उसकी अपनी मिस्टेक्स की वजह से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलतियों की वजह से, जो आज हम ये दिन देखना पड़ रहे हैं। और बहुत से लोग जो हैं जो ये वाली बात 90% पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो ये वाली बात सोचते हैं कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के अंदर आगे जाने के चांसेस नहीं है। मेरी दुआ है कि खुदा पाकिस्तान को जो है वर्ल्ड कप के अंदर कामयाबी अता फरमा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर दुआ जो है वो कबूलियत का दर्जा रखती हो। आपके अपने एफर्ट भी होते हैं, हमारी दुआएं तो अपने साथ हैं, लेकिन आपके अपने, यही दुआएं हमने एशिया कप के लिए भी की थी, लेकिन हमको सामने आ गया कि हर दुआ जो है ज़रूरी तो नहीं है कि आपकी एफर्ट के बगैर अगर दुआ हो तो वो भी कबूल हो। अभी भी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि भाई पाकिस्तान को जो है फ़ाइनल तक पहुंचाए कम से कम और फाइनल जीतने की तौफीक अता फरमाए, लेकिन यही दुआ जो है तमाम पाकिस्तानी करेंगे वर्ल्ड कप के दरमियान। उम्मीद है अल्लाह ताला तमाम लोगों की दुआएं कबूल करेगा। वीडियो आपने देखी है, आपका रिएक्शन क्या है इस वीडियो के ऊपर ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं।
अभी भी आप उम्मीद है बाबर आजम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी? पांचवी दफा उन्होंने दावा किया है कि हम ट्रॉफी लेकर आएंगे, आप उम्मीद है या नहीं? कमेंट सेक्शन के अंदर आए और बताएं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।